हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नई वीडियो में। काफी कपल्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उनका गर्भधारण भी हो जाता है लेकिन वो पीरियड मिस का वेट नहीं कर पाते हैं और उनके मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि पीरियड मिस से पहले वो कैसे कंफर्म करें कि उनका गर्भधारण हुआ, बच्चा उनके पेट में आकर उनके गर्भ में आकर आरोपित हुआ या नहीं हुआ। तो वैसा ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्ली वीक सिम्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं, प्रेगनेंसी डिस्चार्ज। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी डिस्चार्ज को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है, ये पीरियड्स आने का डिस्चार्ज है, जिसे लेकर काफी महिलाएं कंफ्यूज रहती हैं और समझ नहीं पाती हैं कि उनका गर्भधारण हुआ या पीरियड आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे, तो फ्रेंड्स वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपके गर्भ में आकर बच्चा आरोपित होगा, आरोपित इन द सेंस कि जैसे ही बच्चा आपके एंडोमेट्रियम लाइन में हल्का सा खुरद कर वहां चिपकता है, प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स उसी दौरान से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे को वहां चिपकने में 2 से 3 या 4 दिन भी लग सकते हैं। ऐसे में आपकी जो बढ़ते हुए हॉर्मोन्स हैं आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को इफेक्ट करेंगे और आपके डिस्चार्ज का पैटर्न भी चेंज होने लगता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको वाइड डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज कंफर्म कर देगा कि आपका गर्भधारण हो चुका है। जब महिला गर्भ को धारण करती है तो आपका वाइड डिस्चार्ज, जब बच्चा इम्प्लांट होता है उसी दौरान से हल्का सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है और ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है फ्रेंड्स और एक गाढ़ा भी हो सकता है और डे बाय डे इसकी थिकनेस बढ़ती रहती है। कई महिलाओं को पिंक कलर का, कई महिलाओं को ब्राउन कलर का डिस्चार्ज भी होता है जो कि पीरियड आने से हफ्ता से 8 दिन पहले आपको दिख सकता है जब बच्चा इम्प्लांट होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको पीरियड्स आने होंगे तो पीरियड का डिस्चार्ज कैसा होगा, वो चिपचिपा ट्रांसपेरेंट होता है जो कि पीरियड आने से 1 से 2 दिन पहले आपको महसूस होता है और पीरियड के बाद आपको खत्म हो जाता है। ऐसे आपको अपने प्रेगनेंसी डिस्चार्ज को और पीरियड आने वाले डिस्चार्ज को डिफ्रेंशिएट करना। अचानक से आपका डिस्चार्ज का पैटर्न बदल गया, आपको क्रीमी डिस्चार्ज आ रहा है, व्हाइटिश डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज माना जाता है। बिकॉज इस टाइम में जब बच्चा आरोपित होता है तो गर्भाशय के दीवार से आपको डिस्चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स बाहरी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया से आपको और आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे ही गर्भधारण हो जाता है, नेचुरल तरीका है बच्चे को प्रोटेक्ट करने का जो कि वाइट डिस्चार्ज करता है। तो अगर आपके वाइट डिस्चार्ज में चेंजेस आया है, आपको अचानक से वाइट डिस्चार्ज बढ़ने लग गया पीरियड आने से 10 या 1 सप्ताह पहले, तो ये प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज माना जा सकता है। फिर भी आपको अपने पीरियड में इसका वेट करना है और प्रेगनेंसी टेस्ट कर पॉजिटिव रिजल्ट लेना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम कल मिलेंगे सेम टाइम में एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।